हम लोग अफ्रीका जाकर आएगा, माशाल्लाह मस्जिदें बड़ी शानदार, हमारे हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिदें आपको नहीं मिली, गालीचे और न जाने रंग ढंग और गर्म पानी और ठंडा पानी और साबुन और त्वाल, पक्की पक्की इमारतें, गालीचे मस्जिद में बहुत शानदार मस्जिद है। मगर देखो भाई, वो अच्छा लगे या बुरा लगे, बात है कड़वी और तुम्हें सुननी पड़ेगी। बोले क्या? मैंने कहा अल्लाह के बंदो, तुमने पक्की मस्जिदें बनाई है कालीन की इसकी उसकी, अरे अल्लाह के बंदो, ये पैसा इन कालों पर लगाते तो इनमें ईमान आ जाता। अभी काले तुम्हारे लिए खतरे बने हुए हैं, अभी दिन के उजाले में तुम्हारे घरों में घुसते हैं, तुम्हारी इज्जत लूटते हैं, तुम्हारा माल लूटते हैं और तुमको कत्ल करके चले जाते हैं। क्या काम आएगी तुम्हारी ये पक्की मस्जिदें? इनमें इस्लाम आ जाता तो तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत हो जाती। वो तो बेचारे दिन के उजाले में भी घर में बैठते तो घर को ताला लगा के बैठते, बाहर जाने का तसव्वुर तक के नहीं। ये खतरात इस्लाम की जिंदगी पर नहीं होते है। तुम्हें बुरा लगेगा, बुरा लगने दो, क्या करोगे, एक टाइप की रोटी नहीं खाओगे, लेकिन खतरात हैं, याद रखते थे। आज नहीं तो कल आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सामने आएंगे और तुमको खून के आंसू रोना पड़ेगा। और यही हालात है इस वक्त। हम भी अगर इस वक्त अपनी जान माल को अपनी जरूरत पर, तो शरीयत मना नहीं करती भाई, घर रहने के लिए जरूरत है, आदमी कपड़ा पहने ये जरूरत है, शरीयत थोड़ी कहती नंगा फिरो, कि भाई कहती बाहर पजामे के फिरो, शरीयत कहती फुटपाथ पे रहो, अरे बोलो ना, सो रहे के क्या, शरीयत कहती फुटपाथ पे रहो, शरीयत कहती जाके धूप में बैठ के मरो, बारिश में भीग के मरो, ठंडी में मरो, वहां तो कहती है देखो अपने यहां तो सर्दी गर्मी कम होती है, दुनिया के बाद मुल्कों में सर्दी खूब डट के होती है, उसके लिए बाकायदा खर्चा है उनका, कपड़ों का, आग का, मुस्तकिल खर्चे हैं उनके। शरीर की भी जरूरत है तुम्हारी, कपड़े गर्मी की और सर्दी के कपड़े तुम्हारी जरूरत है। उस जमाने में गधे घोड़े खच्चर सवारी के थे, ऊंट थे, हमारे जमाने में मोटर है, मोटरसाइकिल है, ये जरूरत की चीज है। शरीर उस पर ज़कात नहीं मांगती, तुम्हारी जरूरत है रखो इसे, घर सर छुपाने के लिए, जगह जान बचाने के लिए, जान की हिफाजत करने के लिए घर बनाओ। खुदकुशी करना हराम है शरीयत में, खुदकुशी करना कैसा है, अरे बोलो ना, सो रहे के क्या, हराम है। जिस्म की हिफाजत करना जरूरी है, शरीयत इजाजत देती है, अरे भाई करो निकाह, शरीयत इजाजत देती है, तुम्हारी जरूरत है, ये सवाब की चीज है। पराई बहू बेटी को देखेगा, गुनाह है, घर में अपनी बेटी बीवी के पास बैठ के उसकी छेड़खानी करेगा, मजाक करेगा, सवाब है नहीं? और पराई बहू बेटी को छेड़ के देखे, दालाटे का भाव का पता चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, शरीयत इजाजत देती है, ये जरूरत है इंसान की, मना नहीं करती। लेकिन कहा कि देखो तायुश अच्छी चीज नहीं, फरमाया मेरी उम्मत जब वाहन पर आएगी बुजदिल हो जाएगी। हुजूर वाहन क्या, हुब्बुल आयश व कराहियतिल मौत, मौत को बुरा समझेगी और जिंदगी से मोहब्बत करेगी। क्या करेगी, जो तमन्ना है ना जहन के अंदर लंबी चौड़ी, ये करना ये करना ये करना, मकान ऐसा बनाना, बेटा बेटी की शादी करना, फिर यूं करना, ओ लंबे चौड़े फलान, और पूरा भी नहीं होता, बाद बताओ खत्म भी हो जाएगा। ये तमन्नाएं, ये तमन्नाएं नहीं। अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, लोग ईमान पर आए, लोग आमाल पर आए, लोग दावत पर आए, लोग जिंदगी बनाने पर आए, लोग आखिरत बनाने पर आए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ तरीका सरसब्ज शादाब हो और दीन दुनिया में सरसब्ज शादाब हो, अल्लाह इस उम्मत को जिल्लतों से निकाल कर इज्जतों के मकाम पर पहुंचा दे और पूरी इंसानियत के लिए खुदा हिदायत के दरवाजे खोल दे, ये इंसानियत को अल्लाह जहन्नम से निकाल कर जन्नत के रास्ते पर डाल दे, ये नहीं हमारी तमन्नाएं।
उल्टी तमन्ना है हमारी। कैसी तमन्ना? उल्टी तमन्ना, हरे एक को पीछे कमाने का चक्कर, हरे के पीछे कमाने का चक्कर। अभी दीन भी तो कुछ है नहीं आखिरत में काम आने वाला, अरे बाबा इसके लिए भी तो कुछ कर, ये नहीं देनी है। इसलिए आदमी परेशान है। दुनिया आदमी जरूरत के एतबार से करे, जो किसी की मोहताजी ना हो, और दुनिया मकसद के दर्जे में करे। मेरे जिंदगी का मकसद अल्लाह का दीन का काम है, इसी पर जीना इसी पर मरना। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सारे आमाल, मरना जीना नमाज, मेरे सारे आमाल सिर्फ अल्लाह की जात के लिए। मौत और जिंदगी उसके कब्जे में, उसी के लिए जीना उसी के लिए मरना, ये दाइया बन जाए हमारे अंदर का। और देखो चिराग से चिराग जलता है, जब हम में फिक्रें आएगी तो अल्लाह ताला ये फिक्रों को दूसरों में मुंतकिल करेगा। अब ये जो मजमा लौटेगा दीन की फिक्रों को लेकर, ये हमारी कामयाबी है। खाली बात सुन के वाह वाह करके गया, ये हमारी कामयाबी नहीं है। हमारी असल कामयाबी मजमा और तबका, एक फिक्र, एक धुन, एक जिंदगी लेकर के लौटे। ये कब होगा? जब ये मजमा जो बैठा हुआ है, ये खित्तेवार जमात का ये फिक्रमंद हो, ये असल चीज। इसके असरात पड़ते हैं। ये काम करने वाला चुस्त, इलाका चुस्त, और ये मुर्दार, इलाका मुर्दार। रोना इसका है, हम मुर्दार हैं, बेजान हैं। काम का मिजाज हमारे अंदर अभी तक नहीं आया। काम किसको कहते हैं और कैसा काम? बुजुर्गो इतना जानदार, इतना ताकतवर काम, खुदा की कसम इसका बदल नहीं दुनिया में किसी के पास। ऐसे काम को बरकती तौर पर करो, अपने खानदान के नफे के लिए करो, अपने जाति नफे के लिए करो। इससे बढ़कर गिरावट क्या होगी काम करने वालों में? ये काम को काम ही ना बनाए, ग्रुप बनाकर काम करे और अपने अपने लोगों को समेट करके काम करे, बड़ी गंदी ज़हनियत है। हमारा दिल खुला होना चाहिए और हम सारी उम्मत के सामने, नफे को सामने रखकर हम काम करने वाले बने, हम समेटने वाले बने। हमारा अंदर का दाइया और हर फर्द दाइया।